दोस्तों, जब कभी भी अच्छे स्टॉक की बात आती है तो हमारे नाम पर TTML, ट्राइडेंट, टाटा पावर जैसे शेयर्स के नाम आते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसने पिछले एक साल में इन सभी शेयर्स से कहीं ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे BCG शेयर के बारे में। थंबनेल में आप लोगों ने नाम पढ़ ही लिया होगा, तो चलिए जानते हैं BCG शेयर में कितना पोटेंशियल है, आगे फ्यूचर कैसा होने वाला है, और प्रेजेंट टाइम पे अगर आप लोगों ने शेयर्स बाय किए हैं तो क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाना सही रहेगा या नहीं बनानी चाहिए, इन सभी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं स्टॉक को, करते हैं फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं स्टॉक ने कितने कितने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो डेली अपर सर्किट हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे कि क्लोजिंग वाले दिन भी स्टॉक में हमें 5 रुपये 10 पैसे की बढ़ोतरी स्टॉक में देखने को मिली। 5 दिनों की बात करें तो 22.09% का रिटर्न, 1 महीने में इस स्टॉक ने 42.92% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 6 महीने में दोस्तों आप देख सकते हैं 1517%। अगर हम TTML की बात करते हैं तो TTML ने पूरे एक साल में 1000% का रिटर्न दिया, लेकिन ब्राइटकॉम ने 6 महीने में ही 1500 से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर केवल 2021 की बात करें तो 1 जनवरी 2021 को इसके एक स्टॉक का प्राइस 6 रुपये 96 पैसे था, और अभी आप देख सकते हैं 108 रुपये 5 पैसे के ऊपर ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा। अगर एक साल की बात करें तो एक साल में 2401.16% का रिटर्न, बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बना है पिछले एक साल में, क्योंकि एक साल पहले स्टॉक का प्राइस मात्र 4 रुपये 32 पैसे हुआ करता था, और अभी का लेवल आप देख सकते हैं, और अभी भी स्टॉक में तेजी है, अपर सर्किट बना हुआ है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 1700%, यानी कि फर्श से अर्श तक का सफर इस स्टॉक ने बहुत कम समय में तय किया। अगर मैक्सिमम हिस्ट्री की बात करें तो मैक्सिमम हिस्ट्री में भी स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न ही दिए, यानी कि हर एक टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स हमें देता हुआ आ रहा है। अगर हम इसके ट्रेड की बात करें तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप देखेंगे कि 50,53,185 शेयर जो है डिलीवरीएबल क्वांटिटी के लिए यहाँ पर पिक किए गए हैं केवल NSE पर। अगर परसेंटेज की बात करें तो 38.62% शेयर डिलीवरी के लिए उठाया गया है लास्ट ट्रेडिंग वाले दिन। तो जबरदस्त तेजी है, जबरदस्त उछाल है शेयर में, और जितने भी लोगों ने आज से एक साल पहले पैसा लगाया है वो लोग यहाँ पर मालामाल हो चुके हैं, बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स बनाकर बैठे हैं। तो ऐसे में उन सभी लोगों से केवल और केवल एक ही सजेशन है कि दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स आपको दोबारा नहीं मिलने वाले। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस लेवल पर सेल कर देंगे तो दोबारा आप इस लेवल पर, जिस भी लेवल पर आपने बाय किया होगा वो लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी लगा है अपर सर्किट। तो फ्रेश पोजीशन बनाने वाले इस स्टॉक से दूर रखें, लेकिन वॉच लिस्ट में जरूर रखिए इस स्टॉक में। अगर करेक्शन होता है, अच्छे खासे रीजनेबल प्राइस पर आपको ये स्टॉक देखने को मिलता है, तो आप जरूर इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा। अदरवाइज जितने लोगों ने होल्ड किए हुए हैं तो होल्ड करके रखिएगा, क्योंकि देखिए होल्ड करने का ही नतीजा है कि आज आप 108 रुपये 5 पैसे के लेवल पर बैठे हैं। अगर हम इनके सबसे खास चीज़, अगर हम इनके फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स देखें तो वो भी हमें काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है, लेकिन इन सबके बीच में शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफ़ी खास लगा है। दोस्तों, अगर देखेंगे कि जो प्रमोटर होल्डिंग हमारे पास देखने को मिलती है वो 36.76%, जो कि काफ़ी लंबे समय से हमें लगातार देखने को मिली थी, लेकिन इन सबके बीच में एक फैक्ट था, और फैक्ट क्या था कि मार्च 2021 तक 36.76% स्टेक में से 31.91% जो स्टेक है वो प्रमोटरों ने गिरवी रखा हुआ था। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ, प्रमोटर का स्टेक उतना ही रहा, लेकिन प्रमोटरों ने अपनी जो गिरवी रखी हुई जो स्टेक था, गिरवी रखा हुआ जो शेयर्स था उनको छुड़ाया, उनको ख़त्म किया। और सेकेंड क्वार्टर में प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज की, लेकिन यहाँ पर भी हमें प्लेज की हुई जो होल्डिंग है वो कम हुई नजर आती है। तो बहुत अच्छे खासे अपडेट्स हैं। अगर आप देखें कि लगातार प्रमोटर अपनी गिरवी रखी हुई स्टॉक को यहाँ पर दोबारा से री इनिशिएट कर रहे हैं, और साथ के साथ अपनी होल्डिंग भी यहाँ पर बनाए रखे हैं। अगर और एक खास बात देखा जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। फर्स्ट क्वार्टर में केवल और केवल 0.90% का स्टेक था फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास, जो कि डबल हुआ है सेकेंड क्वार्टर में, 0.38% का हमें देखने को मिलता है।
पब्लिक होल्डिंग जो है यहाँ पर हमें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनने को हमें देखने को मिला है। और साथ के साथ अगर हम इनके और भी ज्यादा डेटास को देखें, यानी कि अगर इनके फाइनेंशियल देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेवेन्यू जो है कंपनी का हर साल इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। 2017 में 2451 करोड़ का रेवेन्यू था, 18 में 2420 हुआ, 19 में 2580 करोड़, 2020 में 2692 और फाइनली 2855 करोड़ का रेवेन्यू केवल 2021 में जनरेट किया। इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी की इनकम यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट जो होते हैं वो आपको जबरदस्त देखने को मिलेंगे। सितंबर 2020 में 638 करोड़ की सेल थी, जो कि सितंबर 2021 यानी कि पूरे एक साल बाद यहाँ पर आपको डबल देखने को मिलती है, 1103 करोड़, और फर्स्ट क्वार्टर में 654। यहाँ से भी आप अगर देखेंगे, अंदाजा लगाएंगे, तो अप्रोक्सीमेट डबल के बराबर ही है। और जो टोटल यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 105 करोड़ का था, जो कि यहाँ पर डबल हुआ है 212 करोड़ का। तो लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, क्योंकि सबसे खास बात है कि कंपनी की सेल यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और हमें यहाँ पर सेल्स अच्छी है तो कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, और बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ग्रोथ भी हमें डेफिनेटली जरूर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो कम्युनिटी सेंटिमेंट है वो भी आपको 100% बाइंग का सजेशन दे रहा है, तो बाय कीजिए, लेकिन अभी मत कीजिए, क्योंकि जब भी अपर सर्किट लगता है तो मैं यहाँ पर केवल और केवल एक ही सलाह दूंगा कि दूर रहा कीजिए, क्योंकि अपर सर्किट में हो सकता है आप स्टक हो जाए। तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर देरी भली है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है हमने, क्योंकि काफी ज्यादा हाई जा चुका है स्टॉक, तो करेक्शन का वेट कीजिए, करेक्शन में बाय कर सकते हैं आप। और साथ के साथ दोस्तों यहाँ पर एक खास बात मैं आपको और दिखाऊं कि इस शेयर में जो क्वांटिटी यहाँ पर पिक की जा रही है इस लेवल पर, यानी कि 108 रुपये, 5 रुपये के लेवल पर भी लोगों का इंटरेस्ट इस स्टॉक में काफी ज्यादा है। अगर अपडेट्स की बात करें तो ढेर सारे अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मीटिंग थी 15 नवंबर को, और साथ के साथ यहाँ पर ब्राइटकॉम लिमिटेड हैज इन्फॉर्म्ड एक्सचेंज रिगार्डिंग कंसोलिडेट एजी एजेंट एज 30/9/2021, तो ये इनका इंटरनल मैटर है। तो अच्छे खासे लेवल्स हैं दोस्तों, अच्छे खासे वो नंबर्स यहाँ पर हमें देखते हैं देखने को मिलते हैं। साथ के साथ जिस तरह का कंपनी का फंडामेंटल है, फाइनेंशियल है, हिस्टोरिकल डाटा है, सभी चीज़ों को आप जरूर से जरूर एक बार स्टडी कीजिएगा, उसके बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। तो हमारा काम था आपको यहाँ पर इस शेयर के बारे में बताना, इसके प्लस पॉइंट बताना, नेगेटिव पॉइंट बताना, और आपको खुद से कंसिडर करना होगा कि क्या आपको ये स्टॉक सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए। हम केवल यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं, तो बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आपका होगा दोस्तों। और किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। तो ये था छोटा सा अपडेट, छोटी सी वीडियो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।